गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8, दैट इज एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर में ये आपके पास बेस होता है और ये उसकी पावर होती है। दिस इज अ बेस, दिस इज अ पावर, दिस इज अ बेस, दिस इज अ पावर। अब यहाँ पे पावर अगर आपके पास नेगेटिव है तो आपको इसको अगर पॉजिटिव करना है तो हम क्या करते हैं, इसको वन अपॉन में कर देते हैं, तो पावर क्या हो जाती है आपके पास, पॉजिटिव हो जाती है। लाइक हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट इवेल्युएट 3 raised to power -2। तो इसके सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट में 3 raised to power -2 आप क्या करोगे, 1/3, तो नीचे आके ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2, सो 1/9। सिमिलरली आप सेकेंड अगर इवेल्युएट करना है, -4 raised to power -2, -4 raised to power -2, सो 1, ये पावर हमें पॉजिटिव बनानी है तो -4 raised to power 2, 1/-4 × -4, अगर पावर 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 4 × 4 = 16। सिमिलरली जो थर्ड है आपके पास 1/2 raised to power -5, इसका मीनिंग क्या है कि 1 की पावर भी -5 है, 2 की पावर भी -5। अब हमें इन पावर्स को अगर पॉजिटिव लेना है तो ऊपर आके क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5। सिमिलरली 1 को अगर नीचे ले जाओगे, 1 की पावर 5, इसको आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगी, सो 2 की पावर 5 दैट इज 32। क्लियर है, इस तरह से आपको इवेल्युएशन करनी है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्या है इसमें, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस रिजल्ट। आपके पास है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस रिजल्ट इन पावर नोटेशन, पावर्स में ही आपको रिजल्ट देना है, इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसमें फर्स्ट है आपके पास -4 raised to power 5 / -4 raised to power 8। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 1/2³ raised to power 2। थर्ड क्वेश्चन है आपका दैट इज -3 raised to power 4, इंटू में है 5/3 raised to power 4। दीज आर द 3 क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए आपको मैं कुछ बेसिक बताना चाह रही हूँ। बेसिक में जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास बेस सेम होता है, इफ यू हैव बेस इज सेम, लाइक आपके पास है a की पावर b, मल्टीप्लाई में है a की पावर c, बेस जहाँ पे सेम है और दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, तो बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या होती हैं आपकी, ऐड होती हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास। सिमिलरली अगर आपके पास दिस डिवाइड बाय दिस है, अगेन बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, दिस अपॉन दिस लिखोगे, आपके पास बेस सेम है इनका तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, b - c। और जैसे हमने अभी एक प्रॉपर्टी की थी, a raised to power अगर -b है, हमें इसको पॉजिटिव बनाना है तो आप लिखोगे 1/a raised to power b। क्लियर है। सिमिलरली अब आपको इसको करना है पावर नोटेशन की फॉर्म में। अब देखिए जैसे हम फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट क्या है, सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट -4 raised to power 5 / -4 raised to power 8। ठीक है, क्या करोगे, -4 की पावर 5 / -4 की पावर 8, तो -4 बेस सेम है हमारे पास तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 5 - 8, तो -4 - 3। देखिए सिंप्लीफाइड एंड एक्सप्रेस रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, उसने क्या बोला है कि एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
तो आप इसको क्या ले लोगे, 1/-4^3। ठीक है, तो पावर अब हमने क्या कर दी, पॉजिटिव कर दी विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड हमारे पास क्या है, 1/2³। इसका भी देखो स्क्वायर हो जाएगा, होल का स्क्वायर है, 1 का भी स्क्वायर, तो 1 की पावर 2 मीन्स 1, 2 की यहाँ पे देखो पावर्स क्या है मल्टीप्लाई में, तो 3 × 2, 1/2^6 क्या आ जाएगा, 6। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है आपका, -3^4 × 5/3^4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, -3^4 × 5^4/3^4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास -3^4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -1^4 × 3^4, ऐसे सप्लिट कर सकते हैं हम, 5^4/3^4। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, 3^4 है जो आपका, वो दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3^4 ये ऊपर जाके माइनस का 4, तो -1^4, -1 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, × 5^4 है, पावर फॉर्म में लिखना है, सो आंसर क्या आ जाएगा, 5^4। या फिर इसका दूसरा मेथड क्या है, जो मैंने आपको बताया था अभी, दैट इज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3^4 था, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट ना करके आप ये भी कर सकते हो, सेकंड मेथड है जो इसका, दैट इज -1^4 इंटू में इसको ऊपर ले जा लो, 3^-4 × 5^4। दिस इम्प्लाइज -1^4 × 3^0 × 5^4। एनीथिंग रेज टू पावर 0 मीन्स 1, -1^4 ये भी 1 आएगा, 3^0 ये 1 आएगा, 5^4। तो पावर में आंसर्स क्या आ गया, 5^4। बहुत मेथड से आपके पास आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन इसका, 3^-7/3^-10 × 3^-5। फिफ्थ है इसका, 2^-3 × -7^-3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके सॉल्यूशन अगर हम देखें, 3^-7/3^-10 × 3^-5। यहाँ पे पावर ऊपर ले जाओगे, बेस सेम है, तो प्लस का 10 × 3^-5, 3^10 में 7 गए, दैट इज 3, 3^-5। अब देखिए बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, 3 - 5 तो कितना आ जाएगा, 3^-2। पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखोगे तो 1/3^2। सिमिलरली अगर हम इसका सोल्यूशन देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2^-3 − 7^2, तो 1/2 का क्यूब लिख दोगे, इंटू में 1/-7^3। क्लियर है, हमें क्या करना है, पावर्स को पॉजिटिव रखना है, तो पावर्स को पॉजिटिव रखने के लिए आप क्या लिख सकते हो, 2 × -7^3। और नेक्स्ट स्टेप में -14^3। क्लियर है, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी 1 or 2 days मे मैं वीडियो ना सेंड कर पाऊँ बिकॉज मैं यही में कुछ प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, सो वॉच दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा 2 दिनों के बाद सेंड करूँगी आपको. वॉच दिस वीडियो. थैंक यू.